Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Horoscopes by Truth. Always exposes darkness. So guys, hey, sab log, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में डेफिनेटली बिग चेंजेस, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस क्या आने वाला है. सो डेफिनेटली ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So let's see, let's find out कि आपकी जिंदगी में big changes, development किस तरह से आ रहे हैं. So let's see. Universe फिर guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी जिंदगी में big changes, developments किस तरह से आ रहे हैं. Universe फिर guides, please guide करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें. सो वी डू हैव लर्न फ्रॉम लाइफ. ओके, हमारे पास है लिसनिंग टू विजडम. ओके, सो हमारे पास है हीलिंग वाटर्स. वी डू हैव हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन. यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. वाओ. We do have joy and delight. Great. I hope सारे कार्ड सब देख पाओ. थोड़ा सा मैं कैमरा को ऊपर कर देती हूँ. Bottom of the deck we do have the air magic. Yes, now that's it. Okay. अभी हम टैरो से देख लेते हैं. तो बिग चेंजेस, डेवलपमेंट आपके जिंदगी में किस तरह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं. बिग चेंजेस, डेवलपमेंट आपकी जिंदगी में किस तरह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो वी डू हैव द एट ऑफ कप्स. वी डू हैव द जस्टिस. वी डू हैव द नाइट ऑफ कॉइंस. यहाँ पे है अवेकनिंग. दोनों कार्ड कितना सिमिलर है यहाँ पे. वी डू हैव सिक्स ऑफ कॉइन्स. अगेन दोनों कार्ड कितने सिमिलर है यहाँ पे. ओके, वी डू हैव द फोर ऑफ कॉइन्स. ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ वैंड्स. एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पिसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. एरीज एंड स्कॉर्पियो, ठीक है, सारे साइंस है. लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी. यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 4, 4, 4, 11, 11 आप देख सकते हैं, 4, 20, 20, 20, 02, ठीक है, इस तरह से. ऑलराइट, सो क्या है बिग डेवलपमेंट्स, बिग चेंजेस. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कोई भी ऐसा फेज आपकी जिंदगी में आप उससे मूव ऑन कर रहोगे, ठीक है. और जब आप मूव ऑन करोगे तो पीछे आप क्या छोड़ के जा रहे हो, तो पीछे आप सारे जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया था. सपोज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका कोई जॉब से रिज़ाइन करना और बहुत बड़े एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आना, और उस जॉब अपॉर्चुनिटी में आपका एक बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोला जाता है ना कि इट्स अ ब्राइट फ्यूचर will be opening for you once you leave the past behind. Past में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ठीक है, you are just going to leave it behind and you will be progressing towards the sunlight. So मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि दोनों जो represent कर रहे हैं कि आप अपने जिंदगी में तमाम experience को लेते हुए आगे बढ़ रहे हो. जो expert है उसका salary obviously, जो expert नहीं है, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा ही होगा. सो आपके प्रमोशंस, आपके जॉब चेंजेस यहाँ पे एविडेंट है. कुछ लोगों के लिए ये है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपको लग रहा था कि वो एकदम आपको तहस नहस कर रहा था, वो रिलेशनशिप में रहकर आपको सुख नहीं, आपको दुख झेलना पड़ रहा था. तो वो रिलेशनशिप क्या मायने रखता है अगर वो आपको सिर्फ दुख ही पहुंचा रहा था, अगर सिर्फ वो आपको चोट पहुंचा रहा था. सो कहीं ना कहीं पे यू आर गोइंग टू फिनिश दैट एंड यू आर एबल टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये
बिग चेंजेस या बिग डेवलपमेंट में से सबसे बड़ा बात होता है कि हम अपने अंदर कितना रियलाइज करते हैं, कितना हम समझ जाते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार हम तो है ही, लेकिन आसपास के भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिसके वजह से हम ट्रैप महसूस करते हैं, हम फंस जाते हैं, हमारे पैर फिसल जाता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट आवर लोभ, मोह, मात्सर्य और टेम्पटेशन, बट इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द एक्सटर्नल थिंग्स आर नॉट ऑलवेज गुड। सो यहाँ पे जैसा होता है ना कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो अपडेटेड है, जो मतलब इनोवेशन है वो एक, ठीक है, बट उसका भी गलत फ़ायदा लोग उठाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड बोथ होता ही है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप जागरूकता, जैसे बोला जाता है अवेयरनेस होना, ठीक है, कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, आपको कौन सा पाथ चूज करना है, आपके पाथ में आपके सोल पर्पस क्या है, हु यू आर, व्हाई आर यू इन दिस वर्ल्ड, आप क्या हो, ये पृथ्वी क्या है, इसमें क्यों आप हैं, आप कहाँ पे जाएंगे, ठीक है, किस तरह से अपना काम करेंगे, एवरीथिंग विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए यू आर गोइंग टू एन्जॉय एंड इंडल्ज योर सेल्फ इन लग्जरी, दैट इज़ अ ग्रेट सेलिब्रेशन जॉय, ठीक है, यू कैन से लाइक सुकून भरी रात, सुकून भरी चैन। देखो जो भी मतलब जो इंसान अच्छे से नींद लेता है रात में वही लकी है, ठीक है, जिसको रात भर नींद नहीं होता है, ठीक है, बेसिकली क्या है ना, टेंशन से गुजर रहे हैं वो लोग। सो ये सारे टेंशन, सारे जो एंग्जाइटी है उसको आप रिलीज कर रहे हो एंड देन यू आर स्लीपिंग पीसफुली ड्यूरिंग द नाइट। आपके अगर आप फीमेल है, आपके माँ बनने की ख्वाब, आपकी एक हैप्पी फैमिली, ठीक है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड एंड सपोर्टिंग हस्बैंड, इन लॉज, ये सब कुछ चीज़ आपके लिए पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। इतना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है दैट यू विल जम्प दैट येस आई हैव अचीव्ड दैट। कुछ लोगों के लिए आप केयर फ्री रहेंगे, पैशनेट रहेंगे अपने गोल्स के लिए, और उस मकसद पे जब आप जीत रहे हैं तब आपको मतलब खुशी का कोई और मतलब ठिकाना ही नहीं रहा है। सो बेसिकली एक ही चीज़ आपको अवॉइड करना है, वो है पॉजिटिव नेचर, ठीक है, आपको सिर्फ अपना पॉजिटिव नेचर को थोड़ा सा साइड में रख देना है, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर भी आप पोजिशन या ज़्यादा ही आप दिखाओगे कि नहीं मेरा है मेरा है, हो सकता है वो चीज़ ज़्यादा ही सफोकेटेड आपके लिए बाद में साबित हो। सो इसलिए मेरा एडवाइस इस तरह से है दैट वेन एवर यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू आर इन अ जॉब, यू आर इन अ बिजनेस, कभी कभी आपको थोड़ा बहुत यू हैव टू सरेंडर टू गॉड। कुछ लोगों के लिए यस शादी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अपने ही बेस्ट फ्रेंड से शादी, अपने ही मनपसंद पर्सन से शादी, या जिससे के साथ भी आपकी शादी हो रही है, खुशी खुशी आप जीवन बिता रहे हो। द बिग चेंजेस आर लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए मे बी इट्स अ सेकेंड मैरिज और अ थर्ड मैरिज, वट एवर, बट इट विल बी हाईली सक्सेसफुल। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इन फ्यूचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, आपसे काफ़ी सीनियर लोग भी रह सकते हैं, जूनियर भी रह सकते हैं, सबका माइंड अलग अलग, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग। जैसे बोला जाता है कि एक कंपनी चलता है यंग जो जनरेशन है उनकी एनर्जी से, और जो भी बुजुर्ग होते हैं या एजेड पर्सन होते हैं उनके एक्सपीरियंस है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू बोथ आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टीम ऑल टुगेदर, ठीक है, आपका और किसी इंसान का या कोई ऐसा टीम आप ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी एक्सपीरियंस मतलब लाजवाब है, ठीक है, ओके। सो यू आर गोइंग टू गेट वेरी मच इंस्पिरेशन फ्रॉम मेनी पीपल, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक जितने भी आपने तकलीफ झेला है वो एक पानी की तरह वहाँ पे आप बह जाएगा। जैसे बोला जाता है कि अगर आप गंगा पानी में नहा लेते हैं ना, आपके सारे दुख और गम जो है वो पूरा हो जाता है, मतलब पूरी तरह से वो धुल जाता है, इट गेट्स वॉश्ड अवे। वाटर वी शुड ऑलवेज थिंक एज अ ब्लेसिंग,
क्योंकि वाटर वॉशेस, वाटर क्लेंजेस, वाटर हेल्प्स अस इन कुकिंग, वाटर वी ड्रिंक वाटर. सो कहीं ना कहीं पे यू ऑलवेज शुड पे ग्रेटिट्यूड टू वाटर. जितना आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, जितना आप थैंक्स कर रहे हो, उतना आप देख रहे हो कि मिरेकल्स ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आपके ओर आ रहा है. आपको लग सकता है कि जस्टिस इज वेरी मच डिलेड, बट इट इज नेवर डिनाइड. जो क्रिमिनल है, जो भी आपके साथ जैसा भी किया हो, जो भी किया हो, लॉसेस हुए हैं, शायद उसने रियलाइज नहीं किया या सोसाइटी ने आपका साथ नहीं दिया, आपका स्टैंड लोगों ने नहीं लिया, बट वन डे गॉड इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक योर स्टैंड. सो देयर आर बिग चेंजेस कमिंग, बिग विन, ठीक है. एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो लक है, ठीक है, इतना अच्छा जा रहा होगा कि आप कोई चीज़ ऑटोमेटिकली अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा पा रहे हो. किसी का जैसे इनहेरिटेंस हो सकता है, आपके पूर्वज आपके नाम पे कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट ऑल द बेनिफिट्स. सो लेट मी सी मोर अबाउट, ठीक है, क्यूब से हम देख लेते हैं. यूनिवर्स पे गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड बिग चेंजेस व्हाट आर दे. ओके, सो जब सन आ रहा है, वर्ल्ड आ रहा है वहां पे, तो आई कैन से दैट एब्सोल्युटली रेविशिंग, एब्सोल्युटली स्टनिंग, एब्सोल्युटली यू कैन से लाइक इट्स अ बिग बिग हैप्पी हैप्पी चेंजेस. आपका औधा बढ़ना कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है, कोई कैजुअल रिलेशनशिप एंड हो जाना, फिनिश हो जाना, फिनिश लाइन पर आ जाना. एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए लव मैसेजेस एक्सचेंज होना, ठीक है, और भी प्यार की बातें, मोहब्बत की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करके हल्का हो जाना, रिलीफ मिल जाना, टेंशन से हील हो जाना, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. लव यू अलॉट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.